अब जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आ गई हो, तमाशा देखने के लिए आ जाती हो? हाँ भाभी, मुझे मिलने तो दे उनसे दो। नहीं, अगर रफाकत को कुछ हो जाता ना तो कयामत तक मैं तुम्हें माफ ना करती। माफ तो मैं तुम्हें अभी भी नहीं करूंगी। सलाम अलैकुम भाभी। काम उठाए चली आ रही हो? हाँ मैं भाई की इयादत के लिए आई हूँ। कौन सा भाई? भाई को हार्ट अटैक हुआ, आपने मुझे इतला तक नहीं दी। अच्छा तो दुश्मनों को इतला देकर उन्हें खुश होने का मौका देती मैं? कैसी बातें कर रही हैं? भाई हैं वो मेरे, सगे भाई। अच्छा भाई है वो तुम्हारे? तो बीबी मुझे एक बात का जवाब दे दो, दुनिया में ऐसी कौन सी बहन है जो ये करवाती है जो तुमने अपने मियाँ से कह के करवाया? तुम्हारी बेटी की वजह से मेरा बेटा दर बदर हो गया, रफाकत हॉस्पिटल पहुंच गया और तुम मासूम बनकर अब मिलने चली आई? क्या उम्मीद कर रही हो कि मैं यहाँ तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी फूलों से? भाभी इतनी क्या बेरुखी, मुझे उनको नहीं मिलने दूंगी। बस तुमने और तुम्हारी उस ले पालक बेटी ने हमारी जिंदगी आराम करके रख दी। और क्या चाहती हो? अब जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आ गई हो, तमाशा देखने के लिए आ जाती हो? हाँ भाभी, मुझे मिलने तो दे उनसे दो। नहीं, अगर रफाकत को कुछ हो जाता ना तो कयामत तक मैं तुम्हें माफ ना करती। माफ तो मैं तुम्हें अभी भी नहीं करूंगी। अपनी ये झूठी हमदर्दियां और मोहब्बतें लेके चली जाओ यहाँ से। जिन कदमों से आई हो ना, उन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ। मैं तुम्हें रफाकत से मिलने नहीं दूंगी। बस भाभी।